युवा मोर्चा के डुमरी ससारखो एवं निमियाघाट मंडल के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को रंगामाटी रेलवे फाटक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता प्रदीप साहू, भाजयुमो जिला मंत्री भोला साहू ने किया। तिरंगा यात्रा रंगामाटी रेलवे फाटक से निकलकर इसी चौक, बस स्टैंड, बेरमो मोड़ होते हुए वनांचल चौक तक गया। इस दौरान शामिल भाजयुमो एवं भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक अपने हाथों में देश की आन बान शान तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम में भाजयुमो डुमरी मंडल अध्यक्ष उपेंद्र पांडे, महामंत्री दुलाल चंद महतो, उपाध्यक्ष श्याम नंदन सिन्हा, ससारखो मंडल अध्यक्ष प्रमोद मंडल, निमियाघाट मंडल अध्यक्ष अशोक दास, केदार महतो, संजीव सिन्हा, निशु सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। पहली बार आजादी के 75 वर्ष बीतने पे, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला गया। उसी के निमित्त आज डुमरी प्रखंड में भी तिरंगा यात्रा निकाला गया और देश की आन बान शान तिरंगे को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी भारतवासी के साथ साथ झारखंड वासी और डुमरी वासी भी अपने अपने घरों में लगा के देश के शान तिरंगा को अपने अपने घरों में लहरा के भारतीय एकता और अखंडता का परिचय देंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद।